Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and a very very good morning Nadia. Kya haal chaal hai aap logon ke? Umeed hai Allah Taala se dua hai theek thaak honge. Weekend acha guzra hoga, enjoy kiya hoga, because weekend aisa hota hai ki family saath hoti hai, bacche saath hote hain, jo aapke left over kaam pending kaam hote hain wo aapne karne hote hain. प्लस कहीं बाहर आना जाना होता है, प्लस आपके घर में दावत हो रही होती है, तो बहुत अच्छा लगता है. बिकॉज़ यही दो दिन वर्किंग वुमेन को मिलते हैं, वरना तो कहाँ टाइम मिलता है, ना कहीं आ सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं, बिज़ी होता है हर दफ़ा. बहरहाल मेरा वीकेंड बहुत ही बिज़ी गुजरा, बिल्कुल वक्त नहीं मिला ना सोने का, ना सांस लेने का, ना किसी चीज़ का, बहुत बिज़ी. और लेकिन बहुत अच्छा गुजरा, very nice, very enjoyable, and especially पता है ये एक relaxation है. अगर आपका weekend अच्छा गुजरता है और अगर आपके चाहने वालों के साथ गुजरता है, आपके friends के साथ गुजरता है, तो आप relax होते हो. मेरा जो सब में ज़्यादा relaxation है ना, वो friends हैं और family है, because उनके साथ वक्त एक जगह बैठ के गुजारो, आई फील आपका डिप्रेशन दूर होता है, यू गेट रिलैक्स. आप बातें करते हो, आप हंसते हो, आप बोलते हो, कभी कभी ऐसे ऐसे जोक्स हो जाते हैं कि बहुत मज़ा आता है. ठीक है, तो मेरे घर पे तो सैटरडे को बहुत बड़ी दावत थी, आई हैड इनवाइटेड अबाउट 30-35 फ्रेंड्स ऑफ माइन. तो बहुत अच्छी दावत रही, बहुत मज़ा आया, सबको बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह. और फिर दावत ख़त्म हुई, कोई तकरीबन 5:30-6 तक मेरे फ्रेंड्स बैठे थे, और फ्रेंड्स निकल के गए हैं और बच्चे आ गए, तो सारा दिन आई वाज सो बिज़ी अल्हम्दुलिल्लाह. रात के 11:30 बजे तक फिर कल अपने काम होते हैं, 1000 काम होते हैं. एक ही दिन मिला था कल इत्तेफाक से संडे का. और पता है जब घर में दावत होती है तो आप एक दिन में फारिग नहीं होते. घर की दावत करना का मतलब है 3-4 दिन आपको लगते हैं. आप जो करते होंगे उनको पता होगा, पहले दिन आप ग्रोसरी करते हैं, फिर ग्रोसरी ला के ठिकाने रखो, फिर उसके बाद आप बर्तन निकालो, फिर टेबल ले आउट करो, फिर एक दिन पहले आप डेजर्ट्स बनाओ या आप सैलड्स बनाओ, इस तरह के काम होते हैं. फिर खाना पकाओ, फिर दावत के बाद बर्तनों को जगह पे समटो रखो, हर चीज़ बहुत काम होता है, लेकिन मज़ा बहुत आता है बाहर जाने में. और स्पेशली जब आप अच्छा खाना सीख रहे हो मसाला टीवी से, आपको इतना वक्त मिलता है कि आप मसाला टीवी पे क्या कुछ नहीं सीख रहे, तो घर पे दावत क्या करें. हालांकि मैं अब समझती हूँ घर की दावत और बाहर की दावत पैसा सेम लगता है, कोई सस्ताई का ज़माना नहीं है, हर चीज़ आपको वही पड़ती है जो बाहर पड़ती है. तो वाई नॉट डू इट एट होम, ताकि लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपके खाने को पसंद करें, तो अच्छा लगता है जब आपकी तारीफें होती है, तो बहुत अच्छा लगता है ना. अच्छा जी, नया हफ्ता नया मेन्यू. आज हम बनाएंगे अपने सब में पहले हम बनाएंगे चॉकलेट स्ट्रॉबेरी केक. अब ये इत्तेफाक से मैंने 3-4 महीने पहले दिया है, जो मेरा हाथ का मिसहैप हो गया था, उसकी वजह से रेसिपी आगे पीछे हो गई, माफ़ी चाहती हूँ, बिकॉज स्ट्रॉबेरीज नहीं है. ठीक है, लेकिन बहरहाल मेरे पास स्ट्रॉबेरीज प्यूरी है, जो मैंने फ्रीज़ की थी उसको मैंने प्यूरी करके रखी हुई है, तो मैं उससे बनाऊंगी, लेकिन डेकोरेशन के लिए नहीं मिलेगा. अच्छा, तो आपको बनाना है इसमें चॉकलेट स्पंज. चॉकलेट स्पंज आपने ढेरों दफ़ा मुझसे भी सीखा है, सायमा से भी सीखा है, विपी विप मिल्की फूड्स वालों के अलग अलग शेफ से सीखा है, उनका विपी विप का जो प्रोग्राम था उसमें सीखा है, मतलब ढेरों दफ़ा आपने सीखा है. तो मैंने स्पंज बना लिया है. ठीक है, स्पंज कैसे बनाया है, मैंने 4 अंडे तोड़े अपने कैनबोर्ड में, और उसमें मैंने आधा कप पिसी हुई चीनी फ़ौरन नहीं डालनी है. अंडे को आपने बीट करना शुरू किया, जब अंडे थोड़े से डबल हो गए साइज़ में, तो आपने उसमें 4 आउंस या आधा कप कैस्टर शुगर डाली थोड़ी थोड़ी करके. ठीक है, वो आपने डाली और उसको बीट करते गए जब तक कि वो अच्छा खासा डबल वॉल्यूम में हो गया. इन द मीन टाइम आपने क्या किया, मैदा लिया आधा कप और कोको पाउडर लिया 4 teaspoon हीट. ठीक है, इस दोनों चीज़ों को आपने छान लिया. मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मैंने डाल दिया था, आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहो डालो, नहीं डालना चाहो नहीं डालो. बेकिंग पाउडर मैंने आधा चाय का चम्मच डाला था. अगर आपको नहीं डालना है तो बीटिंग बहुत अच्छी करनी होगी,
लेकिन मैंने डाला था हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, और फिर जब वो अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो गया तो हमने उसमें मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर का छना हुआ मिक्सचर थोड़ा थोड़ा करके स्पैचुला से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद लास्टली मैंने इसमें 4 टेबलस्पून या 1/4 कप ऑयल डाला है, थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डाल के फोल्ड कर दिया, ठीक है। और फिर इसको मैंने 8 इंचेस के 2 पैन्स में, ग्रीस्ड पैन में डाल के, और नंबर 4 180 डिग्रीज पे 20 से 25 मिनट्स के लिए बेक कर लिया। दोनों केक को बहुत अच्छे माशाल्लाह से सॉफ्ट बन गए। ये एक स्टेप हमारा केक का हो गया, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा स्टेप हम करने जा रहे हैं केक का, वो ये है कि आपको थोड़ा सा शीरा बनाना है। शीरा नहीं बनाना है, नहीं बनाएं, कोई भी टेट्रा पैक का जूस ले लो, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, दूध ले लो, ठीक है। और उससे अपने केक को थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्ट कर लीजिए। मॉइस्ट करने के बाद फिर हम उसमें क्रीम विप करेंगे, विपी विप की लेती हूँ मैं भी। उसको हम स्टिफ बीट करने के बाद उसमें हम थोड़ी सी प्यूरी मिलाएंगे और अंदर उसके स्प्रेड करेंगे, ठीक है। अब ये मैं कर रही हूँ तो आप देखते जाइए, लेकिन केक का आप लोगों को समझ आ गया ना। 4 अंडे का स्पंज बनाया है मैंने, और 8 इंचेस के पैन में 2 पैन लिए थे, सैंडविच पैन 8 इंचेस के एक ही साइज़ के, उसमें मैंने उसमें उसको बेक कर लिया है यहाँ रखे हुए। मैंने कल शाम में कर लिया था। ये स्ट्रॉबेरी प्यूरी है मेरे पास। इस केक के लिए हमें थोड़ी सी गनाश भी बनानी है। सेम पैन की साइज लीजिएगा, मेरा 8 इंच के 2 पैन थे। ओके, इसमें हम थोड़ा सा, हालांकि मुझे तो ज़रूरत भी नहीं है, इतना मेरा सॉफ्ट स्पंज है, लेकिन चूंकि लिखा है तो मैं कर देती हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है, बहुत सॉफ्ट केक है माशाल्लाह। ये मैंने बना लिया था शीरा, आधा कप पानी लिया था और आधा कप चीनी ली थी। मेरे पास फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज थी सीजन की, तो उसको मैंने निकाला था 1 कप स्ट्रॉबेरीज को, और मैंने ब्लेंड कर लिया, तो स्ट्रॉबेरी प्यूरी है मेरे पास। ये स्ट्रॉबेरी है, ये मैं नहीं डाल रही, अच्छा हाँ डाल भी सकती हूँ, अंदर बीच में ही जाएगा। ये जो पैकेट की क्रीम है इससे मैं गनाश बनाऊंगी। वक्त आ चुका है ब्रेक का भी,
हम एक काम कर रहे हैं, हम ब्रेक पे भी जा रहे हैं और थोड़ा सा मैं इसमें और डालूंगी बिकॉज फ्लेवर तो आया ना स्ट्रॉबेरी का। ठीक है, ब्रेक में मैं क्या करूंगी, मैं इसके ऊपर पूरी ये फिलिंग लगाऊंगी स्ट्रॉबेरी और क्रीम की, दूसरा केक इसके ऊपर रख के, और उसको हम मॉइस्ट करेंगे इसी शुगर सिरप से। तब तक आप ब्रेक लेके आइए, ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। फिलिंग को अंदर किया, दूसरा केक रखा है इसके ऊपर, उसको शुगर सिरप से मॉइस्ट किया और उसके ऊपर फिर हमने ये स्ट्रॉबेरी की प्यूरी वाली क्रीम डाल दी। अब मुझे इसके लिए गनाश बनानी है। जब तक मैं इसकी गनाश बनाऊंगी, मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए रख रही हूँ फ्रिज में। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। और आपकी रेसिपीज भी बहुत अच्छी होती हैं। थैंक यू। मुझे एक आपसे बात करनी थी। बोले हैं। क्या आपका मुझे नंबर मिल सकता है? मैंने ना अपने बिजनेस के बारे से आपसे बात करनी थी। किसके बारे में? बिजनेस के हवाले से, मेरा भी फूड का बिजनेस है ना। बेटा मेरा नंबर मिल नहीं सकता, मुझे इजाज़त नहीं है देने की। आप मुझे मैसेज करें फेसबुक पे जाके, इनबॉक्स मैसेंजर में। इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए, जब तक मैं गिनाश बना रही हूँ, मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए रख रही हूँ। ये इस पर सर्व नहीं करूँगी मैं, ये मैं विरसा के केक प्लेटर पे सर्व करूँगी जो उन्होंने हमको भेजा है। आप लोग भी जाके अगर ख़रीदना चाहें तो विरसा का केक प्लेटर ख़रीद सकते हैं। अभी उन्होंने बहुत सारी होम एक्सेसरीज निकाली हैं, जाके उनके उधर चक्कर लगाएं एक, तो आपको फिर पता चलेगा। ये मैं उठा के फिर प्लेटर पे रख दूंगी। चलें, अब हम बनाएंगे गनाश। अच्छा, गनाश मैं बना रही हूँ टेट्रा पैक की क्रीम से, ठीक है। टेट्रा पैक की क्रीम मैं लूँगी 100 ग्राम, दैट्स हाफ कप या हाफ पैकेट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तस्नीम, क्या हाल? अल्लाह का शुक्र, बहुत मज़ा आया आपके घर पे, बहुत अच्छा लगा था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपके घर साइमा की क्लासेस कब से हो रही हैं? साइमा ने उस दिन कहाँ आई, मैंने उसको बुलाया था, दावत दी थी, उसने मुझे धोखा दे दिया। कल पूछूंगी उससे, फिर आपको बताऊंगी, ठीक है? ठीक है। और आपकी तबीयत सही है ना? चिकन उतर गई? हाँ हाँ उतर गई, सुमेरा है ना मेरी, अल्लाह उसको सलामत रखे, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। थैंक यू तस्दीम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, थोड़ी सी क्रीम हमारी बॉईल होने लगी है, हल्की सी स्कैल्ड होने लगी है। मैं इसमें चॉकलेट डाल रही हूँ, डार्क चॉकलेट मिल्की, इसकी वही वाली। ऐसी बेहतरीन चॉकलेट है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा तो दिल खुश हो जाता है इसको यूज़ करके। अब मुझे
मीडियम चाहिए गनाश, बहुत गाड़ी भी नहीं चाहिए और बहुत वो भी नहीं चाहिए। बस ये स्कैल्ड हो गई है, क्रीम हल्की सी बॉईल हो गई है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। माशाल्लाह जबरदस्त। आपको क्रीम मंगानी है विपी विप से मिल्कीज फूड की, तो यू कैन ऑर्डर देम ऑनलाइन आल्सो, उनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर करें। आप एक दफ़ा अगर इनकी ये चॉकलेट यूज़ कर लेंगे आपको कोई मज़ा ही नहीं आएगा। ये ऐसी मेल्ट होती है और ऐसी शाइन आती है इसमें कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी दिखा रही हूँ क्या किया है मैंने, कुछ भी नहीं किया। ये देख, बस हमारी गनाश रेडी है। केक थोड़ा सा ठंडा हो जाए, गनाश ठंडी हो जाए, फिर मैं उसको उस केक के ऊपर ड्रिजल कर देती हूँ। दैट्स इट। ठीक है, थोड़ी सी वाइट क्रीम रखी है मैंने पाइपिंग बैग में डाल के, उसको मैं स्रिल्स करूँगी केक पे। देखा आपने, सिर्फ देखें शाइन देखें, ना कोई बटर डाला है, ना कोई ऑयल डाला है, कुछ भी नहीं। आधा पैकेट टेट्रा पैक की, कोई सी भी टेट्रा पैक की क्रीम, मुझे याद भी नहीं है कौन सी ली थी, और उसमें जितनी क्रीम डाली है उतना ही चॉकलेट डाला है मैंने, चॉकलेट थोड़ा ज़्यादा लिया है। ठीक है, आधा कप 4 ounces क्रीम, उसमें 6 ounces चॉकलेट डाला है, बिकॉज मुझे थोड़ी गाढ़ी चाहिए। ये देखें, ठीक है, चले ये हो गया हमारा। अब हम आ रहे हैं फिश पे, ग्रिल्ड फिश ग्रीक स्टाइल। अच्छा ब्रेक आ चुकी, चले ठीक है, यहाँ से मुझे जो नहीं चाहिए मैं हटवा रही हूँ, ब्रेक लेके आते हैं और आके केक को ही पूरा कर लेंगे और फिर फिश पे आ जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक। फ़िश के लिए हमें दो सॉस बनानी है, एक ग्रीक सॉस है और एक दूसरी है, मैं भी बताती हूँ। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरीज होती, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मिलने को तो खैर मिल जाती, मेरे घर के पास ही है फ्रेश बास्केट, लेकिन बस ही मैं बिज़ी रही हूँ। वरना अगर आप इसको फ्रेश स्ट्रॉबेरीज से इसके साइड्स में डेकोरेट करें ना स्विल्स के ऊपर, बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख रही हूँ फिर से फ्रीज़र में, ताकि ये ज़रा सा सेट हो जाए, फिर मैं इसको आराम से निकाल के अपने प्लेटर पे रखूँगी, और फिर यहाँ पे भी ये जो इसके स्विल्स है ना बने हुए, इसके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी इसको पोर करूँगी, गनाश को थोड़ी देर में रख रही हूँ, क्या पोर उसमें रख के करूँगी। चलें जी फिश पे आई, ये हमारी गिनाश है, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे। इतना सॉफ्ट केक होगा ये, इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा।
अच्छा, ये केक दो तरह से हो सकता है, जिसको चॉकलेट नहीं पसंद है वो चॉकलेट बिल्कुल रिमूव कर दें, ठीक है। बीच में जहाँ मैंने चॉकलेट डाला है वहाँ आप स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग बना के डालिए, कोई ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही थोड़े दिन में यहाँ से सारा इम्पोर्टेड सामान ख़त्म हो जाएगा, आपने पढ़ लिया ना, बैंड हो गया है, तो आप ख़ुद बनाएंगे स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग, मैंने सिखाई भी आपको किस तरह बनाएंगे। आप एक कप स्ट्रॉबेरीज़ ले लीजिए, उसको आप मोटा मोटा काट लीजिए, काटने के बाद आप उसमें डालें अबाउट 4 टेबल स्पून शुगर और उसको आप चूल्हे पे रख दीजिए। 4 टेबल स्पून शुगर और स्ट्रॉबेरीज़ थोड़ा थोड़ा चीनी अपना पानी छोड़ती है, जब चीनी अपना पानी छोड़े तो आप उसमें थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी एसेंस डालिए, 1-2 कतरे पिंक कलर के डालिए और उसमें आप 1 टीस्पून हीप्ड कॉर्नफ्लावर को ज़रा से पानी में घोल के वो डाल के जल्दी से हिला लीजिए, ठंडा कर लें, वो आपकी स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग बन जाएगी, उसको आप बीच में डाल दीजिए तो वो आपका स्ट्रॉबेरी क्रीम केक हो जाएगा इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉबेरी चॉकलेट क्रीम केक, ठीक है। नहीं पसंद बाज लोगों को चॉकलेट, तो ठीक है आप उससे उस तरह से बना लीजिए। ओके, अब हम आ रहे हैं ग्रिल फिश ग्रीक स्टाइल। हमें मछली चाहिए, कोई सी भी ले लें आप, ये देखिए फिले, मैंने परसों दावत के लिए मंगाई थी बैक्टी रहू, तो वो मैं बचा लिया था, मैंने उसमें से 1/2 किलो जितना फिले, तो ये मैं फिले ले रही हूँ और इसको हम मैरिनेट करेंगे एक प्याले में सारी चीज़ें डाल के। अच्छा, इसमें हम क्या क्या डालेंगे, कुटा हुआ लहसुन 2 टेबल स्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, ऑयल 3 टेबल स्पून, कोई सा भी ऑलिव ऑयल ले लें, कोई सा भी तेल ले लें 3 टेबल स्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑरिगैनो लीव्स 1/2 टीस्पून, मस्टर्ड पाउडर 2 टीस्पून, क्रश्ड ब्लैक पेपर 2 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च एंड 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। ये हो गया हमारी मछली का मैरिनेशन। 1 किलो मछली, इसको आप मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। रिकैप करती हूँ, लहसुन 2 टेबल स्पून, कुटावा लेमन जूस 1 टेबल स्पून, ऑलिव ऑयल या एनी ऑयल 3 टेबल स्पून, ऑरिगैनो लीव्स 1/2 टीस्पून, मस्टर्ड पाउडर 2 टीस्पून, क्रश ब्लैक पेपर 2 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून। थोड़ा मुझे सॉल्ट मछली ज़्यादा है। अब हम अपनी फिश फिले को इसमें डाल के और मैरिनेट कर लेते हैं। अच्छी तरह से आप इसको मैरिनेट कीजिए। मछली नहीं खाते, चिकन से बना लें, बोनलेस चिकन फिले ले लीजिए, ग्रीक चिकन, ग्रिल चिकन ग्रीक स्टाइल। मैं तो आपको अल्टरनेटिव बता देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, बोलिए बेटा। वालेकुम सलाम। बोलिए। मैं कह रही थी कि मैं बहुत पतली मोटा होना चाहती हूँ। मेरा गोश्त ले लें थोड़ा। आ जाए। किसी हाल में हम लोगों को चैन नहीं, अल्लाह माफ कर दे, दुबला होना है, मोटा होना है। खाए ना आप, तो इतनी लकी है, खाओ, अभी आम आ रहे हैं,
रोज खाया करो आम का मिल्क शेक पिया करो। खाती तो हूँ हर चीज पर मोटी नहीं हो रही। तो खुश रहो जी, खुश रहा करो। खुश नहीं रहती हूँ। फिर अब आपकी काठी ऐसी होगी? नहीं, सब मेरे फैमिली में सब सही है, मैं ही ऐसी हूँ। फिर डॉक्टर को दिखाओ, मैं क्या बताऊँ बेटा। डॉक्टर को दिखाओ, हो सकता है किसी चीज की आपके अंदर कमी हो। लकी हो, क्या करना है मोटा होके। इंजॉय करो लाइफ, दुबली हो, खाने पीने की कम वो है, खा सकती हो पी सकती हो, इंजॉय करो बेटा। मोटा करके, मोटा होके क्या होना है। उफ, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, कपड़े पहनो अच्छे नहीं लगते, खाना खाओ कोई ना कोई टोक देता है, मम्मी ये क्यों खा रही हो, मम्मी ये क्यों खा रही हो, मोटी हो जाओगी, क्या फ़ायदा, दुबला रहो। अच्छा जी, ये हमारा मैरिनेशन हो गया, ठीक है। अब इसको आप अपने घर पे जब करेंगे ना, एक घंटा छोड़ दीजिएगा, ठीक है, लाजमी, ताकि अंदर तक इसका मसाला जाए। फिर हम इसको फ्राई पैन में 10 मिनट के लिए या 8 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे, सिर्फ 2 टेबलस्पून तेल में, 4 मिनट एक साइड पे, फिर हम उसकी साइड टर्न करके 4 मिनट और फ्राई करेंगे। हो गया, अब ब्रेक आ चुकी है। ब्रेक से हम आएंगे, हम 2 सॉसेस इसकी बनाएंगे। एक हम बनाएंगे इसकी गार्लिक सॉस। आज मैं आपको एक और नया पाउडर इंट्रोड्यूस कराऊंगी, जिसका नाम है ब्राउन सॉस पाउडर आता है, जिस तरह चिकन पाउडर आता है, या उसको डेमी ग्लेज पाउडर भी बोलते हैं, ठीक है। या आपको किनोर के डब्बों में मिल जाता है, जिस तरह चिकन पाउडर मिलता है, इसी तरह डेमी ग्लेज पाउडर भी आपको बाज़ार में मिलता है, ठीक है। आप ब्रेक से आइए, मैं इसके दोनों सॉसेस बनाती हूँ। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। ये थोड़ी सी गनाश गाढ़ी हो गई, ये थोड़ी सी पतली होनी चाहिए। चले, अब मैं सॉस बनाने जा रही हूँ। ओके, पहले हम बना रहे हैं गार्लिक सॉस, ठीक है। गार्लिक सॉस के लिए हमें चाहिए 1/4 कप, 3 टेबलस्पून जितना तेल ले लीजिए, और हम इसमें डालेंगे गार्लिक क्रश्ड 1 टेबलस्पून, और थोड़ा सा उसको ब्राउन करेंगे, और फिर हमारे पास ये डेमी ग्लेज पाउडर है। असगर भाई के पास मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का बहुत करम है। बोले, क्या बना रहे हैं? आज मैं फिश बना रही हूँ, केक बनाया है, और नेपोलिटन पास्ता। अच्छा, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता, पहली दफा ही मेरी कॉल लगी है। बहुत शुक्रिया जी, वेलकम टू माय शो। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, डिसेंट सी है आप, बोलने का अंदाज भी अच्छा है, कुकिंग भी बहुत अच्छी होती है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, जीते रहिए, खुश रहिए आप भी, थैंक यू जी। गार्लिक को हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, वरना वो मुँह में जब आएगा तो कच्चा कच्चा पन लगेगा, वो मज़े का नहीं देगा, ठीक है। गार्लिक हल्का सा ब्राउन हो जाए तो डेमी ग्लेज पाउडर है मेरे, उफ अल्लाह, डेमी ग्लेज पाउडर है मेरे पास 4 टेबलस्पून। इसमें मैं पानी मिक्स करूँगी, हाँ
अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी बोलिए तंजीला। जी मैंने मसाला मवेशी शीरी अनवर से बात करनी है। जी मैं बोल रही हूँ। हाँ जी कैसी है आप? अल्लाह का बहुत करम शुक्र। असल आपका केक बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा, लेकिन इस वक्त वहाँ से उठा के खा नहीं सकते। तो आपके वो फिश फिले जो बना रही है वो भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। आप बनाइए ना, केक इतना आसान है, आप बनाएं आज। अच्छा बहुत हिम्मत करें। ठीक है मैं ट्राई करूंगी। हाँ, बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। हाँ जी बाकी आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मैं बड़े शौक से देखती हूँ। थैंक यू जी, जजाक अल्लाह। ओके जी अल्लाह हाफिज जी, बहुत मेहरबानी। एक कप पानी डाला मैंने, डेढ़ नहीं डाला, फिर टू मच हो जाएगा। ठीक है ये तो हमारी हो गई गार्लिक सॉस। इसका कलर देखें ऐसा हल्का हल्का क्रीमिश आता है। अब हम बनाएंगे ग्रीक सॉस। ग्रीक सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून तेल, 2 टेबलस्पून। इसको आप उतार लीजिए। ठीक है अब हम बनाते हैं ग्रीक सॉस। 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून ऑयल, इसमें हम डालेंगे गार्लिक और प्याज, 1 teaspoon crushed garlic, 2 tablespoons chopped onion. इसको आप थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज होने देंगे, हल्का सा। फिर हम उसमें डाल देंगे कैप्सिकम, मशरूम्स, और अगर बेबी कॉर्न है तो बेबी कॉर्न डाल दीजिए। ये देखें हमारी सॉस गाढ़ी है। ठीक है मैं इसको इधर रखती हूँ। और इधर हम रख देते हैं अपनी फिश को फ्राई करने के। पूरा मैरिनेशन अंदर डालिएगा, ज़ाया कोई चीज़ नहीं करिएगा, बिकॉज इसका मैरिनेशन बहुत मज़े का है, मस्टर्ड और क्रश ब्लैक पेपर। ये कराची में बहुत ही महंगा और पॉपुलर रेस्टोरेंट है, वहाँ की ये रेसिपी है। ठीक है इसकी इसको ये ग्रीक सॉस के लिए हमने इसको थोड़ा सा लाल करना है, ज़रा सा। और फिर मैं इस कैप्सिकम, अस्सलाम वालेकुम फातिमा, मशरूम्स। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा, बोलिए। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप थोड़ा थोड़ा कोशिश करती क्रॉलिंग वाली पोजीशन है मेरी, कुछ भी नहीं आता मुझे कुकिंग में अभी। अल्लाह तो बेटा मेरा शो देखा करे ना, क्यों नहीं आता? देखती हूँ लेकिन लेकिन बस नहीं, थोड़ी नहीं बस की तो कोई बात ही नहीं है।
नहीं नहीं मैं बिल्कुल जीरो हूँ ना, मुझे अभी एबीसी नहीं आ रही कुकिंग की। तो सीखें, सारा दिन मसाला टीवी चलता है। हाँ चलता है, लेकिन मुझे बस आपकी बात की समझ आती है, आपके समझाने की समझ आती है। तो मेरे से सीख लें। समझ नहीं आती मुझे। कोई बात नहीं, मेरे से सीख लें, मेरा प्रोग्राम देखा करें, दिन में 3 दफा आता है। प्रोग्राम में 3 दफा देखती हूँ, 3 दफा क्या के बस, अगर 6 दफा भी दिखाते हैं तो भी देखती हूँ। बस सही है तो देखें। लेकिन ये कि मुझे दालों की समझ नहीं आती, गोश्त की समझ नहीं आती कि उसमें पानी की कितनी मिकदार डालूं, वो कितनी टाइम में गलेंगे। पूछे, पूछे मुझसे, पूछे, मैं समझा रही हूँ आपको, पूछे। तो जब भी आपका शो हो तो प्लीज आप अपनी तरफ से, जिस तरह ये बाकी सब कुछ अपनी तरफ से बताती हैं, मेरी तो जान बता दिया करें। मेरी जान, मेरी तो कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को बताऊं, लेकिन अब मैं ज्यादा ख्याल रखूंगी। मैं बिल्कुल जीरो हूँ ना। हाँ मैं बिल्कुल जीरो हूँ। कोई बात नहीं, आप सीख जाएंगी, आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे से अच्छा बनाएंगी। आप फिक्र नहीं करें, आप मैं दुआएं करें। बड़ी मुझे मुश्किल फेस आती है, बहुत दफा खराब कर देती हूँ, बस गड़बड़ेशन हो जाती है मुझसे। ना कोई बात, दरूद शरीफ पढ़ के किचन में जाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू करें, आपके करीब शैतान आएगा ही नहीं जो आपको बहकाता है। बहुत दुआओं में याद करती हूँ, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, सेहत दे, इज्जत दे, आमीन। आपसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बस दालों में और गोश्त में मुझसे गड़बड़ मैं सिखा मैं आपको समझाऊंगी, अब मैं ख्याल रखूंगी ज्यादा, ठीक है। बहुत शुक्रिया बेटा, परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह बहुत अच्छा सीख लोगी। अच्छा इसमें देखें, मैं सीजनिंग डाल रही हूँ, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, ठीक है, और सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून साबुत, ये डाल के थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम कुक करेंगे। ब्रेक आ चुकी है, चलिए ब्रेक की तरफ। अच्छा हमारी फिश भी हो गई, हमारी सॉस भी हो गई, ग्रीक सॉस। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी गार्लिक सॉस है इसको हम ग्रीक सॉस में मिला देंगे। Now, it's your choice. आपकी मर्जी है कि आप मछली को उठा के इसमें डाल दें या मछली को आप प्लेटर में डालें और ऊपर से सॉस पोर करें। इट्स एंटायरली योर चॉइस, ठीक है। मैंने हालांकि देखें 2 से 3 टेबलस्पून तेल लिया था, फिर भी ज़्यादा है, कोई वजह बता दें। इसलिए ज़्यादा है कि मैंने मैरिनेशन में भी तेल डाला था, तो अब जब आप फ्राई करेंगे तो आप तेल मत डालना, वो मैरिनेशन वाला तेल काफ़ी है, क्या फ़ायदा ज़ाया करने से। इसका एक्चुअली जहाँ वो जो होटल है वहाँ पे इस तरह से सर्व नहीं होती है, ये इस तरह से सर्व होती है कि एक प्लेटर पे चावल नीचे बिछाए जाते हैं, उसके ऊपर 2 पीस मछली रखे जाते हैं, उसके ऊपर सॉस पोर की जाती है। लेकिन मैं मछली मैं चावल नहीं मैंने बिछाए, इसलिए कि बाज़ लोगों को चावल अलग पसंद होते हैं, बाज़ को ऐसा लगता है कि सॉस उसमें मिक्स हो गई या मछली मिक्स हो गई, तो इसलिए आप अलग अलग कर दें, जिसको जैसा खाना है वो फिर चावल उठा के भी ले सकते हैं।
ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये रेसिपी भी हो गई, हमारा केक भी हो गया। अब हमें करना है नेपोलिटन पास्ता। सॉस गरम कर लीजिए। मशरूम्स और कैप्सिकम्स और बेबी कॉर्न जो आते हैं वो बीच से हाफ करके स्लिट करके डालिएगा। ठंडी सॉस नहीं डालिएगा प्लीज़, और फौरन सर्व कीजिएगा जैसे ही आपने सॉस डाल दी, ताकि गरम चावल हो, गरम मछली और गरम सॉस। क्या बेटा आवाज़ नहीं आ रही आपकी? हेलो हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आप कौन और कहाँ से? इकरा जन से बात कर रही हूँ। इकरा जी बोलो बेटा। इकरा जी मेरी पहली बार कॉल लगी, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा। और आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है, मैं आपसे फरमाइश करनी थी। बोलिए बोलिए, ज़रूर बोलिए। मुझे प्लेन केक ना पतीली में बनाना सिखा दें। ओके सिखा दूँगी, प्लीज़ सिखा दीजिएगा। क्या करूँ? आपको कुछ सवाल है? आज का कोई सवाल है? नहीं बेटा आज का कोई सवाल नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, खुश रहिए। जाके आप लोग ये डिश बाहर खाते हैं 3,000 और 4,000 की, क्यों बनाएं घर में? बिल्कुल ले लें। ब्रेक आ चुकी है, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, आके स्टार्ट करेंगे नेपोलिटन पास्ता। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त साला मॉर्निंग, लास्ट फाइनल रेसिपी की तरफ हम आ चुके हैं, जो कि बन रहा है नेपोलिटन पास्ता। नेपोलिटन पास्ता के लिए हमें बनानी है नेपोलिटन सॉस। अच्छा, आप इस हफ्ते बहुत सारी डिशेस ऐसी हैं जिसमें मैं साथ में उनकी सॉसेस भी बना रही हूँ। अब देखें, मैंने ग्रीक सॉस बनाई थी, आप लोगों ने कहा था एक हफ्ता कर लें सॉसेस का, तो ये जो सॉसेस मैं बना रही हूँ ये आप लिख लेना प्लीज़। ग्रीक सॉस लिख लीजिए, अभी नेपोलिटन सॉस बन रही है ये लिख लीजिए, आगे बहुत सारी रेसिपीज़ में काम आती हैं। फिर आप लोग मुझे बोलेंगे हफ्ता करा दो, अब हमें हफ्ता करने की इजाज़त नहीं है ज़्यादा। ठीक है, ओके। इसमें हम ले रहे हैं बटर 1 ounce, सॉस बन रही है नेपोलिटन सॉस, 1 ounce हमने बटर ले लिया। इसमें हम डालेंगे सब में पहले प्याज और लहसुन, नहीं इसमें लहसुन नहीं है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इसमें हम डालेंगे 1 tablespoon चॉप्ड अनियन, ठीक है, इसमें हम डालेंगे 1 tablespoon चॉप्ड अनियन। थोड़ा सा हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा इसको फ्राई कर रहे हैं इसको। अच्छा, इसको टमाटर लिए थे मैंने 4, ठीक है, खौलते हुए पानी में मैंने 4 टमाटर डाले, 2 मिनट उसको खौलते हुए पानी में रखा, और आप सामने ही खड़े हैं आपने देखा कि टमाटरों के ऊपर से उसका छिलका हल्का हल्का उतरना शुरू हो गया है। आप उसको आराम से उठाइए, खुदारा हाथ संभाल के, जलिएगा नहीं, पानी आपके ऊपर ना पड़ जाए, उसको ले जाएँ सिंक की तरफ और छान लें। वो जो टमाटर बचेंगे उसका आप छिलका उतार लीजिए, छिलका उतारने के बाद आप ये टमाटरों को, 4 टमाटर को ब्लेंड कर लीजिए, हमें छिलका नहीं चाहिए, ब्लांच्ड। इस मेथड को कहते हैं ब्लांचिंग, छिलके उतारने को, गर्म पानी में डालें, छिलका उतारें और ब्लेंड कर लीजिए, ठीक है। ये पहला स्टेप था इसका, ये हमने ब्लांच कर लिए, बटर गर्म किया, उसमें हमने डाल दिया प्याज, प्याज के बाद हम इसमें डाल रहे हैं सारी चीज़ें, टमाटर डाल रहे हैं, फिर हम डालेंगे ऑरिगैनो, फिर सॉल्ट, फिर चिकन पाउडर और ब्लैक पेपर।
चार टमाटर ब्लांच्ड, दो मिनट लगता है सॉस बनने, ब्लैक पेपर क्रश्ड 1 टीस्पून, उसके बाद चिकन पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे ओरिगैनो, ओरिगैनो डाल दिया हम, नहीं हाँ ये रहा, ब्लैक पेपर, ओरिगैनो, चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर, अब रह गया नमक, हाफ टी स्पून नमक, रिपीट कर रही हूँ। 1 ounce लूर पाक का शानदार मक्खन लिया, जो कि बेकिंग में भी इस्तेमाल होता है, कुकिंग में भी होता है, तड़का लगाने में भी होता है, सैंडविचेस भी बनाएं, सुबह नाश्ते में खाएं, स्प्रेडेबल है, अनसॉल्टेड है, सॉल्टेड है, हर तरह का मक्खन है, बेहतरीन, ठीक है। इसमें मैंने मक्खन लिया 1 ounce लूर पाक का, उसमें मैंने 1 tablespoon चॉप्ड प्याज डाली, प्याज को हल्का सॉटे किया, उसके बाद मैंने 4 ब्लांच छिलके उतरे हुए ब्लेंड किए हुए टमाटर डाल दिए, आधा चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चें, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच ओरिगैनो, 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने उसको अच्छी तरह से कुक हो रही है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने पास्ता की तरफ। पास्ता में आपको शेप चाहिए पास्ता का, पेन पास्ता ऐसा शेप होता है पेन पास्ता का, ठीक है। ये आपको पेन पास्ता लेना है, ओके। पेन पास्ता के लिए हम लेंगे अपनी वॉक के अंदर 1 ounce ऑफ बटर लूर पाक, हाँ अच्छा, पास्ता लेंगे, प्लास्टिक पास्ता मक्खन लेंगे, मक्खन के बाद इसमें मैं डालूँगी 1 tablespoon ऑफ क्रश्ड गार्लिक, 1 tablespoon ऑफ क्रश्ड गार्लिक डालेंगे, गार्लिक को थोड़ा सा हम सॉटे करेंगे बटर में, और इसमें हम डाल देंगे हमारी नेपोलिटन सॉस, ना आसान है, एंड दिस इज़ फॉर वेजिटेरियन पीपल, नो एग, नो चिकन, बट बच्चों को अगर चिकन चाहिए तो आप चिकन टिक्का चंक्स डाल दो, आप स्मोक चिकन डाल दो, आप सॉसेजेस काट के डाल दो, मर्जी है। अच्छा ये हमने डाल दिया, ठीक है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सॉल्ट एंड पेपर, 1/2 teaspoon हीट, पेपर चला गया, सॉल्ट चला गया 1/2 to 3/4 teaspoon, चिकन पाउडर 1 teaspoon, चेडर चीज़ हम बाद में डालेंगे, पक्की क्रीम चीज़ 2 tablespoon मैं अभी डाल रही हूँ, अच्छा। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, नेपोलिटन सॉस पूरी डाल दीजिए, यू विल लव दिस। पास्ता डालिए, बॉइल्ड पेन पास्ता, चलें आई एम रेडी, माय रेसिपी इज़ डन। इसका हम करेंगे चूल्हा बंद, चूल्हा कर दिया है मैंने बंद, इसमें मैं चीज़ डाल रही हूँ और मैं इसमें डाल रही हूँ ताज़ा बेज़ल लीव, तुलसी का पत्ता, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का शो हुआ जाता है मुकम्मल। इट्स टाइम टू वाइंड अप द शो। और आज जो मैंने आपको सिखाया है टोटल ऑथेंटिक रेसिपीज़ है फ्रॉम अ वेरी 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 गुड एंड एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स ऑफ कराची। ये मैं आपको नाम नहीं बता सकती और ना मैं बता देती। बहुत ही यूनिक दोनों रेसिपीज़ हैं। मैंने इनके शेफ़ को अपने घर बुलाया था आज से 2 साल पहले और उनसे मैंने ये क्लास करवाई थी अपने घर पे। तो मैंने सोचा आप चले, काफ़ी अर्सा हो गया तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये दोनों रेसिपीज़ प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और केक तो बहुत इंतहाई सिंपल है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर कल आपसे शेफ़ साइमन के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। आज दावत में बन रहा है चिकन स्टेक बर्गर और कड़ी पकौड़ा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।